एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पी फिट मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फिट ये 2006 की फैमिली कॉमेडी फिल्म है, जो कि 1 आवर एंड 48 मिनट की है। इस मूवी को IMDb ने 6.410 में से रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फिट ये 2006 की कंप्यूटर एनिमेटेड जक बॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉर्ज मिलर, लिखे हैं जॉर्ज मिलर, जॉन कोली, जूडी मॉरिस, वैरन कोलमैन, प्रोड्यूस किए बिली मिलर, जॉर्ज मिलर, डग मिचेल। इसमें उनके स्टारिंग है एलिजा वुड, रॉबिन विलियम्स, ब्रिटनी मर्फी, हग जैकमैन, निकोली किडमैन, हग वेविंग, एंथनी ला पैगली, मैगडा सुजेनबस की, स्टीव इरविन। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए डेविड पीर्स, एडिट किए कैरिस्टन गैजल, मार्गरेट सिक्सेल, म्यूजिक दिए जॉन पॉवेल, प्रोडक्शन कंपनी विलेज रोड शो पिक्चर्स, एनिमल लॉजिक, कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस। इस मूवी को किंगडम फीचर प्रोडक्शन, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, रोड शो फिल्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और ये मूवी 17 नवंबर 2006 को रिलीज हुई यूनाइटेड स्टेट्स में और 26 दिसंबर 2006 को ऑस्ट्रेलिया में, और इसका रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $100 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $384.3 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है बजट के अकॉर्डिंग। तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हमें एलिजा वुड एज मोबली और इजी डेली एज बेबी मोबली, रॉबिन विलियम्स एज रैमन, ब्रिटी मर्फी एज ग्लोरिया और एलिसा शाफेर एज बेबी ग्लोरिया, हग जैकमैन एज मेम्सी, निकोली किडमैन एज नॉर्मा जेन, हग ह्यूगो वेविंग एज नोहा द एल्डर, फैट जोई एज सीम्योर और कैसर फ्लोरिया एज बेबी सेमोर, एंथनी ला पैगलिया एज स्कूअस बॉस, मगदा सुजन बस्की एज मिस वायोलो, मरियम मार्गोलिसी एज मिसेस आस्ट्राखान, स्टीव इरविन एज ट्रेव, कैडोस अल्जराकी एज नेस्ट्रो, लोम्बार्डो बोयर एज रॉल, जेफरी गारिका एज रिनाल्डो, जॉनी सेंचेज एज लोम्बार्डो, रोजर रोस एज लीपोर्डसेल। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कहानी शुरू होती है प्रत्येक सम्राट पेंगुइन एक अद्वितीय हॉट सॉन्ग गाकर एक साथी को आकर्षित करता है। यदि नगर पेंगुइन का दिल का गीत मादा के गीत से मिल खाता है तो दो पेंगुइन संभोग करते हैं। नॉर्मा जीन एक मादा पेंगुइन मेम्फिस एक नर पेंगुइन के प्यार में पड़ जाती है और वे साथी बन जाते हैं। वे एक अंडा देते हैं जिसकी मेम्फिस देखभाल करती है, जबकि नॉर्मा जीन अन्य मादाओं के साथ मछली पकड़ने जाती है, जबकि नर कड़ाके की सर्दी से संघर्ष कर रहे हैं। मेम्फिस थोड़ा समय के लिए अंडे गिरा देता है। प्रणामी चूजा
पुदाने गाने में असमर्थ है लेकिन टैप नृत्य कर सकता है। फिर भी वह एक मादा पेंगुइन ग्लोरिया से आस्त है जिसे उसकी उम्र की सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है। एक दिन मंबल का सामना शत्रुतापूर्ण सकुआ के एक समूह से होता है, एक नेता के साथ जिससे पीले रंग की पट्टी से टैग किया गया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह एक विदेशी अपहरण से है। कुड़कुड़ाना भूख पंछियों के एक दरार में गिरने से बाल बाल बच जाता है। अब एक युवा वयस्क मंबल अक्सर बड़ों और उनके नेता नूह द्वारा उपहास की जाती है। तेंदुए के सील के हमले से बचने के बाद मम्मल रेमन नेस्टर लैम्बार्डो रेनाल्डो और राउल नाम के 5 एडेली पेंगुइन से दोस्ती करता है जिन्हें सामूहिक रूप से एमगोस के रूप में जाना जाता है, जो मम्मल के डांस मूव्स को अपनाते हैं और इसे अपने समूह में शामिल करते हैं। एक हिमस्खलन में एक छिपे हुए मानव उत्खननकर्ताओं को देखने के बाद वे रॉक हॉपर पेंगुइन लॉलेस से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने का भी विकल्प चुनते हैं। लॉलेस के गले में 6 पैक के प्लास्टिक के छल्ले हैं, यह कहते हुए कि उन्हें रहस्यवादी प्राणियों द्वारा दिया गया है। स्मार्ट पेंगुइन के लिए यह समूह का मौसम है और ग्लोरिया ध्यान का केंद्र है। अमीगोस रामनो को मैम्बल के पीछे मई वे का एक स्पेनिश संस्करण गाकर बात के लिप सिंकिंग के साथ मम्मल को अपने स्नेह जीतने में मदद करने का असफलता प्रयास करते हैं। अपने गाने के साथ ताल नृत्य शुरू करने के बाद मूबल हताश होकर उसके प्यार में पड़ जाती है और युवा पेंगुइन बूगी वंडरलैंड में गायन और नृत्यन करने के लिए शामिल हो जाती है। बुजुर्ग मुंबेल के आचरण से चकित है जिसे वे मछली पकड़ने के काम मौसम के कारण के रूप में देखते हैं। मेम्फिस ने अपनी खातिर नाचना बंद करने के लिए मंबल से भीख मांगी लेकिन जब मुंबेल ने मना कर दिया तो उसे निर्वासित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको हैप्पी फीट इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। बस आपको पे करना होगा 119 रुपीज़ इस मूवी को देखने के लिए अमेज़न प्राइम वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पी फीट मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट ये 2006 की फैमिली कॉमेडी फिल्म है जो कि 1 hour and 48 minutes की है। इस मूवी को IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट ये 2006 की कंप्यूटर एनिमेटेड जक बॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉर्ज मिलर, लिखे हैं जॉर्ज मिलर, जॉन कोली, जूडी मॉरिस, वैरन कोलमैन, प्रोड्यूस किए बिली मिलर, जॉर्ज मिलर, डग मिचेल। इस मूवी के स्टारिंग है एलिजा वुड, रॉबिन विलियम्स, ब्रिटनी मर्फी, हग जैकमैन, निकोली किडमैन, हग वेविंग, एंथनी ला पैगली, मैगडा सुजैनबस्की, स्टीव इरविन। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए डेविड पीर्स, एडिट किए कैरिस्टन गैजल, मार्गरेट सिक्सेल, म्यूजिक दिए जॉन पॉवेल, प्रोडक्शन कंपनी विलेज रोड शो पिक्चर्स, एनिमल लॉजिक, कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस। इस मूवी को किंगडम फीचर प्रोडक्शंस। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, रोड शो फिल्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और ये मूवी 17 November 2006 को रिलीज हुई यूनाइटेड स्टेट्स में और 26 December 2006 को ऑस्ट्रेलिया में, और इसका रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $100 million रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $384.3 million रहा जो कि काबिले तारीफ है बजट के अकॉर्डिंग। तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हमें एलिजा वुड एज मोबली और इजी डेली एज बेबी मोबली, रॉबिन विलियम्स एज रैमन, ब्रिटी मर्फी एज ग्लोरिया और एलिसा शाफेर एज बेबी ग्लोरिया, हग जैकमैन एज मेम्सी, निकोली किडमैन एज नॉर्मा जेन, ह्यूगो वेविंग एज नोहा द एल्डर,
फैट जोईस सीमियोर अकेसर फ्लोरियस बेबी सेमोर एंथोनी ला पैगलियास स्कूवस बॉस मगदा सुजन बस्केस मिस वायोलो मरियम मार्गोलिसियस मिसेस आर अस्ट्रखान स्टीव इरविन एस ट्रेव कैडोस अल्जराकी एस नेस्ट्रो लोम्बार्डो बोयर एस रॉल जेफरी गारिका एस रिनाल्डो जॉनी सेंचेज एस लैम लोम्बार्डो रोजर रोस एस लीपॉर्ड सेल। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कहानी शुरू होती है प्रत्येक सम्राट पेंगुइन एक अद्वितीय हॉट सॉन्ग गाकर एक साथी को आकर्षित करता है। यदि नगर पेंगुइन का दिल का गीत मांग मादा के गीत से मिल खाता है तो दो पेंगुइन संभोग करते हैं। नॉर्मा जीन एक मादा पेंगुइन मेम्फिस एक नर पेंगुइन के प्यार में पड़ जाती है और वे साथी बन जाते हैं। वे एक अंडा देते हैं जिसकी मेम्फिस देखभाल करती है जबकि नॉर्मा जीन अन्य मादाओं के साथ मछली पकड़ने जाती है जबकि नर कड़ाके की सर्दी से संघर्ष कर रहे हैं। मेम्फिस थोड़ा समय के लिए अंडे गिरा देता है। प्रणामी चूजा बुदाने गाने में असमर्थ है लेकिन टैप नृत्य कर सकता है। फिर भी वह एक मादा पेंगुइन ग्लोरिया से आस्त है जिसे उसकी उम्र की सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है। एक दिन मंबल का सामना शत्रुतापूर्ण सकुआ के एक समूह से होता है एक नेता के साथ जिससे पीले रंग की पट्टी से टैग किया गया है जिसके बारे में उनका कहना है कि यह एक विदेशी अपहरण से है। कुड़कुड़ाना भूख पंछियों के एक दरार में गिरने से बाल बाल बच जाता है। अब एक युवा वयस्क मंबल अक्सर बड़ों और उनके नेता नूह द्वारा उपहास की जाती है। तेंदुए के सील के हमले से बचने के बाद मंबल रेमन नेस्टर लैम्बार्डो रेनाल्डो और राउल नाम के 5 एडेल पेंगुइन से दोस्ती करता है जिन्हें सामूहिक रूप से एमगोस के रूप में जाना जाता है जो मंबल के डांस मूव्स को अपनाते हैं और इसे अपने समूह में शामिल करते हैं। एक हिमस्खलन में एक छिपे हुए मानव उत्खननकर्ताओं को देखने के बाद वे रॉक हॉपर पेंगुइन लवलेस से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने का भी विकल्प चुनते हैं। लवलेस के गले में 6 पैक के प्लास्टिक के छल्ले हैं यह कहते हुए कि उन्हें रहस्यवादी प्राणियों द्वारा दिया गया है। स्मार्ट पेंगुइन के लिए यह संभोग का मौसम है और ग्लोरिया ध्यान का केंद्र है। अमीगोस रामनो को मैम्बल के पीछे मई वे का एक स्पेनिश संस्करण गाकर बाद के लिप सिंकिंग के साथ मम्बल को अपने स्नेह जीतने में मदद करने का असफलता प्रयास करते हैं। अपने गाने के साथ ताल नृत्य शुरू करने के बाद मुबल हताश होकर उसके प्यार में पड़ जाती है और युवा पेंगुइन बूगी वंडरलैंड में गायन और नृत्य करने के लिए शामिल हो जाती है। बुजुर्ग मुंबेल के आचरण से चकित है जिसे वे मछली पकड़ने के काम मौसम के कारण के रूप में देखते हैं। मेम्फिस ने अपनी खातिर नाचना बंद करने के लिए मंबल से भीख मांगी लेकिन जब मुंबेल ने मना कर दिया तो उसे निर्वासित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स इस मूवी के आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको हैप्पी फीट इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स हैप्पी फीट अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। बस आपको पे करना होगा 119 रुपीज़ इस मूवी को देखने के लिए अमेज़न प्राइम वीडियो पर। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पी फीट मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स हैप्पी फीट ये 2006 की फैमिली कॉमेडी फिल्म है जो कि 1 hour and 48 minutes की है। इस मूवी को IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स हैप्पी फीट ये 2006 की कंप्यूटर एनिमेटेड जक बॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉर्ज मिलर लिखे हैं जॉर्ज मिलर जॉन कोली जूडी मॉरिस वैरन कॉलमैन प्रोड्यूस किए बिली
मिलर, जॉर्ज मिलर, डग मिचेल। इस मूवी के स्टारिंग है एलिजा वुड, रॉबिन विलियम्स, ब्रिटनी मर्फी, हग जैकमैन, निकोली किडमैन, हग वेविंग, एंथनी ला पैगली, मैगडा सुजेनबस की, स्टीव इरविन। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी के डेविड पीर्स, एडिट किए हैं कैरिस्टन गैजल, मार्गरेट सिक्सेल, म्यूजिक दिए जॉन पॉवेल, प्रोडक्शन कंपनी विलेज रोड शो पिक्चर्स, एनिमल लॉजिक, कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस। इस मूवी को किंगडम फीचर प्रोडक्शन। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, रोड शो फिल्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और ये मूवी 17 नवंबर 2006 को रिलीज हुई यूनाइटेड स्टेट्स में और 26 दिसंबर 2006 को ऑस्ट्रेलिया में, और इसका रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $100 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $384.3 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है बजट के अकॉर्डिंग। तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हमें एलिजा वुड एज मोबली और इजी डेली एज बेबी मोबली, रॉबिन विलियम्स एज रैमोन, ब्रिटी मर्फी एज ग्लोरिया और एलिसा शाफेर एज बेबी ग्लोरिया, हग जैकमैन एज मेम्सी, निकोली किडमैन एज नॉर्मा जेन, हग ह्यूगो वेविंग एज नोहा द एल्डर, फैट जोई एज सीम्योर और कैसर फ्लोरिया एज बेबी सेमोर, एंथोनी ला पैगलिया एज स्कूअस बॉस, मगदा सुजन बस्के एज मिस वायोलो, मरियम मार्गोलिसी एज मिसेस आस्ट्राखान, स्टीव इरविन एज ट्रेव, कैडोस अल्जराकी एज नेस्ट्रो, लोम्बार्डो बोयर एज रॉल, जेफरी गारिका एज रिनाल्डो, जॉनी सेंचेज एज लोम्बार्डो, रोजर रोस एज लीपोर्टसेल। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कहानी शुरू होती है प्रत्येक सम्राट पेंगुइन एक अद्वितीय हॉट सॉन्ग गाकर एक साथी को आकर्षित करता है। यदि नगर पेंगुइन का दिल का गीत मांग मादा के गीत से मिल खाता है तो दो पेंगुइन संभोग करते हैं। नॉर्मा जीन एक मादा पेंगुइन मेम्फिस एक नर पेंगुइन के प्यार में पड़ जाती है और वे साथी बन जाते हैं। वे एक अंडा देते हैं जिसकी मेम्फिस देखभाल करती है, जबकि नॉर्मा जीन अन्य मादाओं के साथ मछली पकड़ने जाती है, जबकि नर कड़ाके की सर्दी से संघर्ष कर रहे हैं। मेम्फिस थोड़ा समय के लिए अंडे गिरा देता है। प्रणामी चूजा बुदाने गाने में असमर्थ है लेकिन टैप नृत्य कर सकता है। फिर भी वह एक मादा पेंगुइन ग्लोरिया से आस्त है जिसे उसकी उम्र की सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है। एक दिन मंबल का सामना शत्रुतापूर्ण सकुआ के एक समूह से होता है, एक नेता के साथ जिससे पीले रंग की पट्टी से टैग किया गया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह एक विदेशी अपहरण से है। कुड़कुड़ाना भूख पंछियों के एक दरार में गिरने से बाल बाल बच जाता है। अब एक युवा वयस्क मंबल अक्सर बड़ों और उनके नेता नू द्वारा उपहास की जाती है। तेंदुए के सील के हमले से बचने के बाद मंबल रेमन नेस्टर लैम्बार्डो रेनाल्डो और राउल नाम के 5 एडेल पेंगुइन से दोस्ती करता है जिन्हें सामूहिक रूप से एमगोस के रूप में जाना जाता है, जो मंबल के डांस मूव्स को अपनाते हैं और इसे अपने समूह में शामिल करते हैं। एक हिमस्खलन में एक छिपे हुए मानव उत्खननकर्ताओं को देखने के बाद वे रॉक हापर पेंगुइन लवलेस से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने का भी विकल्प चुनते हैं। लवलेस के गले में 6 पैक के प्लास्टिक के छल्ले हैं, यह कहते हुए कि उन्हें रहस्यवादी प्राणियों द्वारा दिया गया है। स्मार्ट पेंगुइन के लिए यह संभोग का मौसम है और ग्लोरिया ध्यान का केंद्र है। अमीगोस रामनों को मैम्बल के पीछे मई वे का एक स्पेनिश संस्करण गाकर बात के लिप्त सिंकिंग के साथ मम्मल को अपने स्नेह जीतने में मदद करने का असफलता प्रयास करते हैं। अपने गाने के साथ ताल नृत्य शुरू करने के बाद मुबल हताश होकर उसके प्यार में पड़ जाती है और युवा पेंगुइन बूगी वंडरलैंड में गायन और नृत्यन करने के लिए शामिल हो जाती है। बुजुर्ग मुंबेल के आचरण से
चकित है जिसे वे मछली पकड़ने के का मौसम के कारण के रूप में देखते हैं। मेम्फिस ने अपनी खातिर नाचना बंद करने के लिए मम्बल से भीख मांगी, लेकिन जब मुम्बेल ने मना कर दिया तो उसे निर्वासित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको हैप्पी फीट इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। बस आपको पे करना होगा 119 रुपीज़ इस मूवी को देखने के लिए अमेज़न प्राइम वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पी फीट मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट ये 2006 की फैमिली कॉमेडी फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 48 मिनट की है। इस मूवी को IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट ये 2006 की कंप्यूटर एनिमेटेड जक बॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉर्ज मिलर, लिखे हैं जॉर्ज मिलर, जॉन कोली, जूडी मॉरिस, वैरन कोलमैन, प्रोड्यूस किए बिली मिलर, जॉर्ज मिलर, डग मिचेल। इस मूवी के स्टारिंग है एलिजा वुड, रॉबिन विलियम्स, ब्रिटनी मर्फी, हग जैकमैन, निकोली किडमैन, हग वेविंग, एंथनी लापैगली, मैगडा सुजैनबस की, स्टीव इरविन। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए डेविड पीर्स, एडिट किए कैरिस्टन गैजल, मार्गरेट सिक्सेल, म्यूजिक दिए जॉन पॉवेल, प्रोडक्शन कंपनी विलेज रोड शो पिक्चर्स, एनिमल लॉजिक, कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस। इस मूवी को किंगडम फीचर प्रोडक्शन, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, रोड शो फिल्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और ये मूवी 17 नवंबर 2006 को रिलीज हुई यूनाइटेड स्टेट्स में और 26 दिसंबर 2006 को ऑस्ट्रेलिया में, और इसका रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $100 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $384.3 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है बजट के अकॉर्डिंग। तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हमें एलिजा वुड एज मोबली और एजी डेली एज बेबी मोबली, रॉबिन विलियम्स एज रेमोन, ब्रिटी मर्फी एज ग्लोरिया और एलिसा शाफेर एज बेबी ग्लोरिया, हग जैकमैन एज मेम्सी, निकोली किडमैन एज नॉर्मा जेन, हग ह्यूगो वेविंग एज नोहा द एल्डर, फैट जोई एज सीम्योर और कैसर फ्लोर एज बेबी सेमोर, एंथोनी ला पैगलिया एज स्कूअस बॉस, मगदा सुजन बस्की एज मिस वायोलो, मरियम मार्गोलिसी एज मिसेस आस्ट्राखान, स्टीव इरविन एज ट्रेव, कैडोस अल्जराकी एज नेस्ट्रो, लोम्बार्डो बोयर एज रॉल, जेफरी गारिका एज रिनाल्डो, जॉनी सेंचेज एज लोम्बार्डो, रोजर रोस एज लीपॉर्ड सेल। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कहानी शुरू होती है प्रत्येक सम्राट पेंगुइन एक अद्वितीय हॉट सॉन्ग गाकर एक साथी को आकर्षित करता है। यदि नगर पेंगुइन का दिल का गीत मांग मादा के गीत से मिल खाता है तो दो पेंगुइन संभोग करते हैं। नॉर्मा जीन एक मादा पेंगुइन, मेम्फिस एक नर पेंगुइन के प्यार में पड़ जाती है और वे साथी बन जाते हैं। वे एक अंडा देते हैं जिसकी मेम्फिस देखभाल करती है, जबकि नॉर्मा जीन अन्य मादाओं के साथ मछली पकड़ने जाती है, जबकि नर कड़ाके की सर्दी से संघर्ष कर रहे हैं। मेम्फिस थोड़ा समय के लिए अंडे गिरा देता है। प्रणामी चूजा बुदाने गाने में असमर्थ है लेकिन टैप नृत्य कर सकता है। फिर भी वह एक मादा पेंगुइन ग्लोरिया से आस्त है जिसे उसकी उम्र की सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है। एक दिन मम्बल का सामना शत्रुतापूर्ण सकुआ के एक समूह से होता है, एक नेता के साथ जिससे पीले रंग की पट्टी से टैग किया गया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह एक विदेशी अपहरण से है। कुड़कुड़ाना भूख पंछियों के एक दरार में गिरने से बाल बाल बच जाता है। अब एक युवा वयस्क मम्बल अक्सर बड़ों और उनके नेता नूह द्वारा उपहास की जाती है। तेंदुए के सील के हमले से बचने के बाद मम्बल रेमन नेस्टर
लैम्बार्डो, रेनाल्डो और राउल नाम के 5 एडेल पेंगुइन से दोस्ती करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से एमगोस के रूप में जाना जाता है, जो मंबल के डांस मूव्स को अपनाते हैं और इसे अपने समूह में शामिल करते हैं। एक हिमस्खलन में एक छिपे हुए मानव उत्खननकर्ताओं को देखने के बाद वे रॉक हॉपर पेंगुइन लवलेस से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने का भी विकल्प चुनते हैं। लवलेस के गले में 6 पैक के प्लास्टिक के छल्ले हैं, यह कहते हुए कि उन्हें रहस्यवादी प्राणियों द्वारा दिया गया है। स्मार्ट पेंगुइन के लिए यह समूह का मौसम है और ग्लोरिया ध्यान का केंद्र है। अमीगोस रामनों को मैम्बल के पीछे मई वे का एक स्पेनिश संस्करण गाकर बाद के लिप्त सिंकिंग के साथ मम्बल को अपने स्नेह जीतने में मदद करने का असफलता प्रयास करते हैं। अपने गाने के साथ ताल नृत्य शुरू करने के बाद मूबल हताश होकर उसके प्यार में पड़ जाती है और युवा पेंगुइन बूगी वंडरलैंड में गायन और नृत्यन करने के लिए शामिल हो जाती है। बुजुर्ग मुंबेल के आचरण से चकित है, जिसे वे मछली पकड़ने के काम मौसम के कारण के रूप में देखते हैं। मेम्फिस ने अपनी खातिर नाचना बंद करने के लिए मंबल से भीख मांगी, लेकिन जब मुंबेल ने मना कर दिया तो उसे निर्वासित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको हैप्पी फीट इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। बस आपको पे करना होगा 119 रुपीज़ इस मूवी को देखने के लिए अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पी फीट मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट ये 2006 की फैमिली कॉमेडी फिल्म है, जो कि 1 आवर एंड 48 मिनट की है। इस मूवी को IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट ये 2006 की कंप्यूटर एनिमेटेड जक बॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए जॉर्ज मिलर, लिखे हैं जॉर्ज मिलर, जॉन कोली, जूडी मॉरिस, वैरन कोलमैन, प्रोड्यूस किए बिली मिलर, जॉर्ज मिलर, डग मिचेल। इसमें उनके स्टारिंग है एलिजा वुड, रॉबिन विलियम्स, ब्रिटनी मर्फी, हग जैकमैन, निकोली किडमैन, हग वेविंग, एंथनी ला पैगली, मैगडा सुजैनबस्की, स्टीव इरविन। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए डेविड पीर्स, एडिट किए कैरिस्टन गैजल, मार्गरेट सिक्सेल, म्यूजिक दिए जॉन पॉवेल, प्रोडक्शन कंपनी विलेज रोड शो पिक्चर्स, एनिमल लॉजिक, कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस। इस मूवी को किंगडम फीचर प्रोडक्शन, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, रोड शो फिल्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और यह मूवी 17 नवंबर 2006 को रिलीज हुई यूनाइटेड स्टेट्स में और 26 दिसंबर 2006 को ऑस्ट्रेलिया में, और इसका रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $100 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $384.3 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है बजट के अकॉर्डिंग। तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हमें एलिजा वुड एज मोबली और इजी डेली एज बेबी मोबली, रॉबिन विलियम्स एज रैमोन, ब्रिटी मर्फी एज ग्लोरिया और एलिसा शाफेर एज बेबी ग्लोरिया, हग जैकमैन एज मेम्सी, निकोली किडमैन एज नॉर्मा जेन, ह्यूगो वेविंग एज नोहा द एल्डर, फैट जोई एज सीम्योर और कैसर फ्लोरिया एज बेबी सेमोर, एंथोनी ला पैगलिया एज स्कूअस बॉस, मगदा सुजैनबस्की एज मिस वायोलो, मरियम मार्गोलिसी एज मिसेस अस्ट्राखान, स्टीव इरविन एज ट्रेव, कैडोस अल्जराकी एज नेस्ट्रो, लोम्बार्डो बोयर एज रॉल, जेफरी गारिका एज रिनाल्डो, जॉनी सेंचेज एज लोम्बार्डो, रोजर रोस एज लीपोर्टसेल। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कहानी शुरू होती है, प्रत्येक सम्राट पेंगुइन एक अद्वितीय हॉट सॉन्ग गाकर एक साथी को आकर्षित करता है। यदि नगर पेंगुइन का दिल का गीत मांग
मादा के गीत से मिल खाता है तो दो पेंगुइन समूह करते हैं। नोर्मा जीन एक मादा पेंगुइन मेम्फिस एक नर पेंगुइन के प्यार में पड़ जाती है और वे साथी बन जाते हैं। वे एक अंडा देते हैं जिसकी मेम्फिस देखभाल करती है, जबकि नोर्मा जीन अन्य मादाओं के साथ मछली पकड़ने जाती है, जबकि नर कड़ाके की सर्दी से संघर्ष कर रहे हैं। मेम्फिस थोड़ा समय के लिए अंडे गिरा देता है। प्रणामी चूजा बुदाने गाने में असमर्थ है लेकिन टैप नृत्य कर सकता है। फिर भी वह एक मादा पेंगुइन ग्लोरिया से आस्त है जिसे उसकी उम्र की सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है। एक दिन मंबल का सामना शत्रुतापूर्ण सकुआ के एक समूह से होता है, एक नेता के साथ जिससे पीले रंग की पट्टी से टैग किया गया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह एक विदेशी अपहरण से है। कुड़कुड़ाना भूख पंछियों के एक दरार में गिरने से बाल बाल बच जाता है। अब एक युवा वयस्क मंबल अक्सर बड़ों और उनके नेता नूह द्वारा उपहास की जाती है। तेंदुए के सील के हमले से बचने के बाद मंबल रेमन नेस्टर लैम्बार्डो रेनाल्डो और राउल नाम के 5 एडेली पेंगुइन से दोस्ती करता है जिन्हें सामूहिक रूप से एमगोस के रूप में जाना जाता है, जो मंबल के डांस मूव्स को अपनाते हैं और इसे अपने समूह में शामिल करते हैं। एक हिमस्खलन में एक छिपे हुए मानव उत्खननकर्ताओं को देखने के बाद वे रॉक हॉपर पेंगुइन लॉलेस से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने का भी विकल्प चुनते हैं। लॉलेस के गले में 6 पैक के प्लास्टिक के छल्ले हैं, यह कहते हुए कि उन्हें रहस्यवादी प्राणियों द्वारा दिया गया है। स्मार्ट पेंगुइन के लिए यह समूह का मौसम है और ग्लोरिया ध्यान का केंद्र है। अमीगोस रामनो को मैम्बल के पीछे मई वे का एक स्पेनिश संस्करण गाकर बात के लिप सिंकिंग के साथ मम्बल को अपने स्नेह जीतने में मदद करने का असफलता प्रयास करते हैं। अपने गाने के साथ ताल नृत्य शुरू करने के बाद मूबल हताश होकर उसके प्यार में पड़ जाती है और युवा पेंगुइन बूगी वंडरलैंड में गायन और नृत्यन करने के लिए शामिल हो जाती है। बुजुर्ग मुंबेल के आचरण से चकित है जिसे वे मछली पकड़ने के काम मौसम के कारण के रूप में देखते हैं। मेम्फिस ने अपनी खातिर नाचना बंद करने के लिए मंबल से भीख मांगी लेकिन जब मुंबेल ने मना कर दिया तो उसे निर्वासित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको हैप्पी फीट इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। बस आपको पे करना होगा 119 रुपीज़ इस मूवी को देखने के लिए अमेज़न प्राइम वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पी फीट मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट ये 2006 की फैमिली कॉमेडी फिल्म है जो कि 1 hour and 48 minutes की है। इस मूवी को IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट ये 2006 की कंप्यूटर एनिमेटेड जक बॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉर्ज मिलर, लिखे हैं जॉर्ज मिलर, जॉन कोली, जूडी मॉरिस, वैरन कोलमैन, प्रोड्यूस किए बिली मिलर, जॉर्ज मिलर, डग मिचेल। इस मूवी के स्टारिंग है एलिजा वुड, रॉबिन विलियम्स, ब्रिटनी मर्फी, हग जैकमैन, निकोली किडमैन, हग वेविंग, एंथनी ला पैगली, मैगडा सुजैनबस्की, स्टीव इरविन। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए डेविड पीर्स, एडिट किए कैरिस्टन गैजल, मार्गरेट सिक्सेल, म्यूजिक दिए जॉन पॉवेल, प्रोडक्शन कंपनी विलेज रोड शो पिक्चर्स, एनिमल लॉजिक, कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस। इस मूवी को किंगडम फीचर प्रोडक्शंस। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, रोड शो फिल्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और ये मूवी 17 November 2006 को रिलीज हुई यूनाइटेड स्टेट्स में और 26 December 2006 को ऑस्ट्रेलिया में, और इसका रनिंग टाइम रहा 108 मिनट।
और ये यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $100 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $384.3 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है बजट के अकॉर्डिंग। तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हमें एल्जिया वुड एज मोबली और इजी डेली एज बेबी मोबली, रॉबिन विलियम्स एज रेमोन, ब्रिटी मोर्फी एज ग्लोरिया और एलिसा शाफेर एज बेबी ग्लोरिया, हग जैकमैन एज मेम्सी, निकोली किडमैन एज नॉर्मा जेन, हग ह्यूगो वेविंग एज नोहा द एल्डर, फैट जोई एज सीमियोर और कैसर फ्लोरिया एज बेबी सेमोर, एंथोनी ला पैगलिया एज स्कूअस बॉस, मगदा सुजन बस्के एज मिस वायोलो, मरियम मार्गोलिसी एज मिसेस आस्ट्राखान, स्टीव इरविन एज ट्रेव, कैडोस अल्जराकी एज नेस्ट्रो, लोम्बार्डो बोयर एज रॉल, जेफरी गारिका एज रिनाल्डो, जॉनी सेंचेज एज लोम्बार्डो, रोजर रोस एज लीपोर्सेल। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कहानी शुरू होती है प्रत्येक सम्राट पेंगुइन एक अद्वितीय हॉट सॉन्ग गाकर एक साथी को आकर्षित करता है। यदि नगर पेंगुइन का दिल का गीत मांग मादा के गीत से मिल खाता है तो दो पेंगुइन संभोग करते हैं। नॉर्मा जीन एक मादा पेंगुइन मेम्फिस एक नर पेंगुइन के प्यार में पड़ जाती है और वे साथी बन जाते हैं। वे एक अंडा देते हैं जिसकी मेम्फिस देखभाल करती है, जबकि नॉर्मा जीन अन्य मादाओं के साथ मछली पकड़ने जाती है, जबकि नर कड़ाके की सर्दी से संघर्ष कर रहे हैं। मेम्फिस थोड़ा समय के लिए अंडे गिरा देता है। प्रणामी चूजा बुदाने गाने में असमर्थ है लेकिन टैप नृत्य कर सकता है। फिर भी वह एक मादा पेंगुइन ग्लोरिया से आस्त है जिसे उसकी उम्र की सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है। एक दिन मंबल का सामना शत्रुतापूर्ण सकुआ के एक समूह से होता है, एक नेता के साथ जिससे पीले रंग की पट्टी से टैग किया गया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह एक विदेशी अपहरण से है। कुड़कुड़ाना भूख पंछियों के एक दरार में गिरने से बाल बाल बच जाता है। अब एक युवा वयस्क मंबल अक्सर बड़ों और उनके नेता नूह द्वारा उपहास की जाती है। तेंदुए के सील के हमले से बचने के बाद मंबल रेमन नेस्टर लैम्बार्डो रेनाल्डो और राउल नाम के 5 एडेल पेंगुइन से दोस्ती करता है जिन्हें सामूहिक रूप से एमगोस के रूप में जाना जाता है, जो मंबल के डांस मूव्स को अपनाते हैं और इसे अपने समूह में शामिल करते हैं। एक हिमस्खलन में एक छिपे हुए मानव उत्खननकर्ताओं को देखने के बाद वे रॉक हॉपर पेंगुइन लवलेस से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने का भी विकल्प चुनते हैं। लवलेस के गले में 6 पैक के प्लास्टिक के छल्ले हैं, यह कहते हुए कि उन्हें रहस्यवादी प्राणियों द्वारा दिया गया है। स्मार्ट पेंगुइन के लिए यह संभोग का मौसम है और ग्लोरिया ध्यान का केंद्र है। अमीगोस रामनो को मैम्बल के पीछे मई वे का एक स्पेनिश संस्करण गाकर बाद के लिप सिंकिंग के साथ मम्बल को अपने स्नेह जीतने में मदद करने का असफलता प्रयास करते हैं। अपने गाने के साथ ताल नृत्य शुरू करने के बाद मुबल हताश होकर उसके प्यार में पड़ जाती है और युवा पेंगुइन बूगी वंडरलैंड में गायन और नृत्य करने के लिए शामिल हो जाती है। बुजुर्ग मुंबेल के आचरण से चकित है जिसे वे मछली पकड़ने के काम मौसम के कारण के रूप में देखते हैं। मेम्फिस ने अपनी खातिर नाचना बंद करने के लिए मंबल से भीख मांगी लेकिन जब मुंबेल ने मना कर दिया तो उसे निर्वासित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको हैप्पी फीट इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। बस आपको पे करना होगा ₹119 इस मूवी को देखने के लिए अमेज़न प्राइम वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें।
हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पी फिट मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फिट ये 2006 की फैमिली कॉमेडी फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 48 मिनट्स की है। इस मूवी को IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फिट ये 2006 की कंप्यूटर एनिमेटेड जक बॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉर्ज मिलर, लिखे हैं जॉर्ज मिलर, जॉन कोली, जूडी मॉरिस, वैरन कोलमैन, प्रोड्यूस किए बिली मिलर, जॉर्ज मिलर, डग मिचेल। इस मूवी के स्टारिंग है एलिजा वुड, रॉबिन विलियम्स, ब्रिटनी मर्फी, हग जैकमैन, निकोली किडमैन, हग वेविंग, एंथनी ला पैगली, मैगडा सुजैनबस्की, स्टीव इरविन। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए डेविड पीर्स, एडिट किए कैरिस्टन गैजल, मार्गरेट सिक्सेल, म्यूजिक दिए जॉन पॉवेल, प्रोडक्शन कंपनी विलेज रोड शो पिक्चर्स, एनिमल लॉजिक, कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस। इस मूवी को किंगडम फीचर प्रोडक्शन। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, रोड शो फिल्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और ये मूवी 17 नवंबर 2006 को रिलीज हुई यूनाइटेड स्टेट्स में और 26 दिसंबर 2006 को ऑस्ट्रेलिया में, और इसका रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $100 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $384.3 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है बजट के अकॉर्डिंग। तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हमें एलिजा वुड एज मोबली और इजी डेली एज बेबी मोबली, रॉबिन विलियम्स एज रैमोन, ब्रिटी मर्फी एज ग्लोरिया और एलिसा शाफेर एज बेबी ग्लोरिया, हग जैकमैन एज मेम्सी, निकोली किडमैन एज नॉर्मा जेन, हग ह्यूगो वेविंग एज नोहा द एल्डर, फैट जोई एज सीम्योर और कैसर फ्लोरी एज बेबी सेमोर, एंथोनी ला पैगली एज स्कूअस बॉस, मगदा सुजन बस्की एज मिस वायोलो, मरियम मार्गोलिसी एज मिसेस आस्ट्राखान, स्टीव इरविन एज ट्रेव, कैडोस अल्जराकी एज नेस्ट्रो, लोम्बार्डो बोयर एज रॉल, जेफरी गारिका एज रिनाल्डो, जॉनी सेंचेज एज लोम्बार्डो, रोजर रोस एज लीपोर्टसेल। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कहानी शुरू होती है प्रत्येक सम्राट पेंगुइन एक अद्वितीय हॉट सॉन्ग गाकर एक साथी को आकर्षित करता है। यदि नगर पेंगुइन का दिल का गीत मांग मादा के गीत से मिल खाता है तो दो पेंगुइन संभोग करते हैं। नॉर्मा जीन एक मादा पेंगुइन मेम्फिस एक नर पेंगुइन के प्यार में पड़ जाती है और वे साथी बन जाते हैं। वे एक अंडा देते हैं जिसकी मेम्फिस देखभाल करती है, जबकि नॉर्मा जीन अन्य मादाओं के साथ मछली पकड़ने जाती है, जबकि नर कड़ाके की सर्दी से संघर्ष कर रहे हैं। मेम्फिस थोड़ा समय के लिए अंडे गिरा देता है। प्रणामी चूजा बुदाने गाने में असमर्थ है लेकिन टैप नृत्य कर सकता है। फिर भी वह एक मादा पेंगुइन ग्लोरिया से आस्त है जिसे उसकी उम्र की सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है। एक दिन मंबल का सामना शत्रुतापूर्ण सकुआ के एक समूह से होता है, एक नेता के साथ जिससे पीले रंग की पट्टी से टैग किया गया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह एक विदेशी अपहरण से है। कुड़कुड़ाना भूख पंछियों के एक दरार में गिरने से बाल बाल बच जाता है। अब एक युवा वयस्क मंबल अक्सर बड़ों और उनके नेता नू द्वारा उपहास की जाती है। तेंदुए के सील के हमले से बचने के बाद मंबल रेमन नेस्टर लैम्बार्डो रेनाल्डो और राउल नाम के 5 एडेल पेंगुइन से दोस्ती करता है जिन्हें सामूहिक रूप से एमगोस के रूप में जाना जाता है, जो मंबल के डांस मूव्स को अपनाते हैं और इसे अपने समूह में शामिल करते हैं। एक हिमस्खलन में एक छिपे हुए मानव उत्खननकर्ताओं को देखने के बाद वे रॉक हापर पेंगुइन लवलेस से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने का भी विकल्प चुनते हैं। लवलेस के गले में 6 पैक के प्लास्टिक के छल्ले हैं, यह कहते हुए कि उन्हें रहस्यवादी प्राणियों द्वारा दिया गया है। स्मार्ट पेंगुइन के लिए यह संभोग का मौसम है और ग्लोरिया ध्यान का केंद्र है। अमीगोस रामनों को मंबल
मेम्बल के पीछे मई वे का एक स्पेनिश संस्करण गाकर बात की लिप्त सिंकिंग के साथ ममल को अपने स्नेह जीतने में मदद करने का असफलता प्रयास करते हैं। अपने गाने के साथ ताल नृत्य शुरू करने के बाद मुबल हताश होकर उसके प्यार में पड़ जाती है और युवा पेंगुइन बूगी वंडरलैंड में गायन और नृत्यन करने के लिए शामिल हो जाती है। बुजुर्ग मुंबेल के आचरण से चकित है जिसे वे मछली पकड़ने के का मौसम के कारण के रूप में देखते हैं। मेम्फिस ने अपनी खातिर नाचना बंद करने के लिए मुंबेल से भीख मांगी लेकिन जब मुंबेल ने मना कर दिया तो उसे निर्वासित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स इस मूवी के आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको हैप्पी फीट इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स हैप्पी फीट अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। बस आपको पे करना होगा 119 रुपीज़ इस मूवी को देखने के लिए अमेज़न प्राइम वीडियो पर। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पी फीट मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स हैप्पी फीट ये 2006 की फैमिली कॉमेडी फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 48 मिनट की है। इस मूवी को IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स हैप्पी फीट ये 2006 की कंप्यूटर एनिमेटेड जक बॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉर्ज मिलर, लिखे हैं जॉर्ज मिलर, जॉन कोली, जूडी मॉरिस, वैरन कोलमैन, प्रोड्यूस किए बिली मिलर, जॉर्ज मिलर, डग मिचेल। इस मूवी के स्टारिंग है एलिजा वुड, रॉबिन विलियम्स, ब्रिटनी मर्फी, हग जैकमैन, निकोली किडमैन, हग वेविंग, एंथनी लापैगली, मैगडा सुजेनबस की, स्टीव इरविन। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए डेविड पीर्स, एडिट किए कैरिस्टन गैजल, मार्गरेट सिक्सेल, म्यूजिक दिए जॉन पॉवेल, प्रोडक्शन कंपनी विलेज रोड शो पिक्चर्स, एनिमल लॉजिक, कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस। इस मूवी को किंगडम फीचर प्रोडक्शन, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, रोड शो फिल्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और ये मूवी 17 नवंबर 2006 को रिलीज हुई यूनाइटेड स्टेट्स में और 26 दिसंबर 2006 को ऑस्ट्रेलिया में, और इसका रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $100 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $384.3 मिलियन रहा जो कि काबिले तारीफ है बजट के अकॉर्डिंग। तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी में हमें एलिजा वुड एज मोबली और एजी डेली एज बेबी मोबली, रॉबिन विलियम्स एज रेमोन, ब्रिटी मोर्फी एज ग्लोरिया और एलिसा शाफेर एज बेबी ग्लोरिया, हग जैकमैन एज मेम्सी, निकोली किडमैन एज नॉर्मा जेन, हग ह्यूगो वेविंग एज नोहा द एल्डर, फैट जोई एज सीम्योर और कैसर फ्लोर एज बेबी सेमोर, एंथनी ला पैगलिया एज स्कूअस बॉस, मगदा सुजन बस्की एज मिस वायोलो, मरियम मार्गोलिसी एज मिसेस आस्ट्राखान, स्टीव इरविन एज ट्रेव, कैडोस अल्जराकी एज नेस्ट्रो, लोम्बार्डो बोयर एज रॉल, जेफरी गारिका एज रिनाल्डो, जॉनी सेंचेज एज लैम लोम्बार्डो, रोजर रोस एज लीपॉर्ड सेल। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कहानी शुरू होती है प्रत्येक सम्राट पेंगुइन एक अद्वितीय हॉट सॉन्ग गाकर एक साथी को आकर्षित करता है। यदि नगर पेंगुइन का दिल का गीत मांग मादा के गीत से मिल खाता है तो दो पेंगुइन संभोग करते हैं, नॉर्मा जीन एक मादा पेंगुइन मेम्फिस एक नर पेंगुइन के प्यार में पड़ जाती है और वे साथी बन जाते हैं। वे एक अंडा देते हैं जिसकी मेम्फिस देखभाल करती है जबकि नॉर्मा जीन अन्य मादाओं के साथ मछली पकड़ने जाती है जबकि नर कड़ाके की सर्दी से संघर्ष कर रहे हैं। मेम्फिस थोड़ा समय के लिए अंडे गिरा देता है। प्रणामी चूजा बुदाने गाने में असमर्थ है लेकिन टैप नृत्य कर सकता है। फिर भी वह एक मादा पेंगुइन ग्लोरिया से आस्त है जिसे उसकी उम्र की सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है। एक दिन मंबल का सामना शत्रुतापूर्ण सकुआ के एक समूह से होता है, एक नेता के साथ जिससे
पीले रंग की पट्टी पट्टी से टैग किया गया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह एक विदेशी अपहरण से है। कुड़कुड़ाना भूख पंछियों के एक दरार में गिरने से बाल बाल बच जाता है। अब एक युवा वयस्क मम्बल अक्सर बड़ों और उनके नेता नूह द्वारा उपहास की जाती है। तेंदुए के सील के हमले से बचने के बाद मम्बल रेमन नेस्टर लैम्बार्डो रेनाल्डो और राउल नाम के 5 एडेल पेंगुइन से दोस्ती करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से एमगोस के रूप में जाना जाता है, जो मम्बल के डांस मूव्स को अपनाते हैं और इसे अपने समूह में शामिल करते हैं। एक हिमस्खलन में एक छिपे हुए मानव उत्खननकर्ताओं को देखने के बाद वे रॉक हॉपर पेंगुइन लवलेस से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने का भी विकल्प चुनते हैं। लवलेस के गले में 6 पैक के प्लास्टिक के छल्ले हैं, यह कहते हुए कि उन्हें रहस्यवादी प्राणियों द्वारा दिया गया है। स्मार्ट पेंगुइन के लिए यह समूह का मौसम है और ग्लोरिया ध्यान का केंद्र है। अमीगोस रामनो को मैम्बल के पीछे मई वे का एक स्पेनिश संस्करण गाकर बात के लिप्त सिंकिंग के साथ मम्बल को अपने स्नेह जीतने में मदद करने का असफलता प्रयास करते हैं। अपने गाने के साथ ताल नृत्य शुरू करने के बाद मूबल हताश होकर उसके प्यार में पड़ जाती है और युवा पेंगुइन बूगी वंडरलैंड में गायन और नृत्यन करने के लिए शामिल हो जाती है। बुजुर्ग मुंबेल के आचरण से चकित है, जिसे वे मछली पकड़ने के काम मौसम के कारण के रूप में देखते हैं। मेम्फिस ने अपनी खातिर नाचना बंद करने के लिए मम्बल से भीख मांगी, लेकिन जब मुंबेल ने मना कर दिया तो उसे निर्वासित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको हैप्पी फीट इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। बस आपको पे करना होगा 119 रुपीज़ इस मूवी को देखने के लिए अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पी फीट मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट ये 2006 की फैमिली कॉमेडी फिल्म है, जो कि 1 आवर एंड 48 मिनट की है। इस मूवी को IMDb ने 6.410 में से रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट ये 2006 की कंप्यूटर एनिमेटेड जक बॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए जॉर्ज मिलर, लिखे हैं जॉर्ज मिलर, जॉन कोली, जूडी मॉरिस, वैरन कोलमैन, प्रोड्यूस किए बिली मिलर, जॉर्ज मिलर, डग मिचेल। इस मूवी के स्टारिंग है एलिजा वुड, रॉबिन विलियम्स, ब्रिटनी मर्फी, हग जैकमैन, निकोली किडमैन, हग वेविंग, एंथनी ला पैगली, मैगडा सुजैनबस्की, स्टीव इरविन। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए डेविड पीर्स, एडिट किए कैरिस्टन गैजल, मार्गरेट सिक्सेल, म्यूजिक दिए जॉन पॉवेल, प्रोडक्शन कंपनी विलेज रोड शो पिक्चर्स, एनिमल लॉजिक, कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस। इस मूवी को किंगडम फीचर प्रोडक्शन, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, रोड शो फिल्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और ये मूवी 17 नवंबर 2006 को रिलीज हुई यूनाइटेड स्टेट्स में और 26 दिसंबर 2006 को ऑस्ट्रेलिया में, और इसका रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $100 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $384.3 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है बजट के अकॉर्डिंग। तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हमें एलिजा वुड एज मोबली और इजी डेली एज बेबी मोबली, रॉबिन विलियम्स एज रैमन, ब्रिटी मर्फी एज ग्लोरिया और एलिसा शाफेर एज बेबी ग्लोरिया, हग जैकमैन एज मेम्सी, निकोली किडमैन एज नॉर्मा जेन, ह्यूगो वेविंग एज नोहा द एल्डर, फैट जोई एज सीम्योर और कैसर फ्लोरिया एज बेबी सेमोर, एंथोनी ला पैगलिया एज स्कूअस बॉस, मगदा सुजन बस्की एज मिस वायोलो, मरियम मार्गोलिसी एज मिसेस अस्ट्राखान, स्टीव इरविन एज ट्रेव, कैडोस
अल्जरा की एज नेस्ट्रो, लोम्बार्डो बोयर एज रॉल, जेफरी गारिका एज रिनाल्डो, जॉनी सेंचेज एज लोम्बार्डो, रोजर रोस एज लीपोर्ट सेल। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कहानी शुरू होती है, प्रत्येक सम्राट पेंगुइन एक अद्वितीय हॉट सॉन्ग गाकर एक साथी को आकर्षित करता है। यदि नगर पेंगुइन का दिल का गीत मांग मादा के गीत से मिल खाता है तो दो पेंगुइन समूह करते हैं। नॉर्मा जीन एक मादा पेंगुइन मेम्फिस एक नर पेंगुइन के प्यार में पड़ जाती है और वे साथी बन जाते हैं। वे एक अंडा देते हैं जिसकी मेम्फिस देखभाल करती है, जबकि नॉर्मा जीन अन्य मादाओं के साथ मछली पकड़ने जाती है, जबकि नर कड़ाके की सर्दी से संघर्ष कर रहे हैं। मेम्फिस थोड़ा समय के लिए अंडे गिरा देता है। प्रणामी चूजा बुदाने गाने में असमर्थ है लेकिन टैप नृत्य कर सकता है। फिर भी वह एक मादा पेंगुइन ग्लोरिया से आस्त है जिसे उसकी उम्र की सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है। एक दिन मंबल का सामना शत्रुतापूर्ण सकुआ के एक समूह से होता है, एक नेता के साथ जिससे पीले रंग की पट्टी से टैग किया गया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह एक विदेशी अपहरण से है। कुड़कुड़ाना भूख पंछियों के एक दरार में गिरने से बाल बाल बच जाता है। अब एक युवा वयस्क मंबल अक्सर बड़ों और उनके नेता नूह द्वारा उपहास की जाती है। तेंदुए के सील के हमले से बचने के बाद मंबल रेमन नेस्टर लैम्बार्डो रेनाल्डो और राउल नाम के 5 एडेली पेंगुइन से दोस्ती करता है जिन्हें सामूहिक रूप से एमगोस के रूप में जाना जाता है, जो मंबल के डांस मूव्स को अपनाते हैं और इसे अपने समूह में शामिल करते हैं। एक हिमस्खलन में एक छिपे हुए मानव उत्खननकर्ताओं को देखने के बाद वे रॉक हॉपर पेंगुइन लॉलेस से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने का भी विकल्प चुनते हैं। लॉलेस के गले में 6 पैक के प्लास्टिक के छल्ले हैं, यह कहते हुए कि उन्हें रहस्यवादी प्राणियों द्वारा दिया गया है। स्मार्ट पेंगुइन के लिए यह समूह का मौसम है और ग्लोरिया ध्यान का केंद्र है। अमीगोस रामनो को मैम्बल के पीछे मई वे का एक स्पेनिश संस्करण गाकर बात के लिप सिंकिंग के साथ मम्बल को अपने स्नेह जीतने में मदद करने का असफलता प्रयास करते हैं। अपने गाने के साथ ताल नृत्य शुरू करने के बाद मूबल हताश होकर उसके प्यार में पड़ जाती है और युवा पेंगुइन बूगी वंडरलैंड में गायन और नृत्यन करने के लिए शामिल हो जाती है। बुजुर्ग मुंबेल के आचरण से चकित है जिसे वे मछली पकड़ने के काम मौसम के कारण के रूप में देखते हैं। मेम्फिस ने अपनी खातिर नाचना बंद करने के लिए मंबल से भीख मांगी लेकिन जब मुंबेल ने मना कर दिया तो उसे निर्वासित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स इस मूवी के आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको हैप्पी फीट इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स हैप्पी फीट अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, बस आपको पे करना होगा 119 रुपीज़ इस मूवी को देखने के लिए अमेज़न प्राइम वीडियो पर। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पी फीट मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स हैप्पी फीट ये 2006 की फैमिली कॉमेडी फिल्म है जो कि 1 hour and 48 minutes की है। इस मूवी को IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स हैप्पी फीट ये 2006 की कंप्यूटर एनिमेटेड जक बॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉर्ज मिलर, लिखे हैं जॉर्ज मिलर, जॉन कोली, जूडी मॉरिस, वैरन कोलमैन, प्रोड्यूस किए बिली मिलर, जॉर्ज मिलर, डग मिचेल। इसमें उनके स्टारिंग है एलिजा वुड, रॉबिन विलियम्स, ब्रिटनी मर्फी, हग जैकमैन, निकोली किडमैन, हग वेविंग, एंथनी ला पैगली, मैगडा सुजैन बस्की, स्टीव इरविन,
इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए हैं डेविड पीर्स, एडिट किए हैं चैरिस्टन कैरिस्टन गैजल मार्गरेट सिक्सेल, म्यूजिक दिए जॉन पॉवेल, प्रोडक्शन कंपनी विलेज रोड शो पिक्चर्स, एनिमल लॉजिक कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस, इस मूवी को किंगडम फीचर प्रोडक्शन, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, रोड शो फिल्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और ये मूवी 17 नवंबर 2006 को रिलीज हुई यूनाइटेड स्टेट्स में और 26 दिसंबर 2006 को ऑस्ट्रेलिया में, और इसका रनिंग टाइम रहा 108 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $100 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $384.3 मिलियन रहा जो कि काबिल तारीफ है बजट के अकॉर्डिंग। तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी में हमें एल्जिया वुड एज मोबली और एजी डेली एज बेबी मोबली, रॉबिन विलियम्स एज रैमोन, ब्रिटी मोर्फी एज ग्लोरिया और एलिसा शाफेर एज बेबी ग्लोरिया, हग जैकमैन एज मेम्सी, निकोली किडमैन एज नॉर्मा जेन, हग ह्यूगो वेविंग एज नोहा द एल्डर, फैट जोई एज सीमियोर और कैसर फ्लोरिया एज बेबी सेमोर, एंथोनी ला पैगलिया एज स्कूअस बॉस, मगदा सुजन बस्के एज मिस वायोलो, मरियम मार्गोलिसी एज मिसेस आस्ट्राखान, स्टीव इरविन एज ट्रेव, कैडोस अल्जराकी एज नेस्ट्रो, लोम्बार्डो बोयर एज रॉल, जेफरी गारिका एज रिनाल्डो, जॉनी सेंचेज एज लोम्बार्डो, रोजर रोस एज लीपोर्सेल। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कहानी शुरू होती है प्रत्येक सम्राट पेंगुइन एक अद्वितीय हॉट सॉन्ग गाकर एक साथी को आकर्षित करता है। यदि नगर पेंगुइन का दिल का गीत मांग मादा के गीत से मिल खाता है तो दो पेंगुइन संभोग करते हैं। नॉर्मा जीन एक मादा पेंगुइन मेम्फिस एक नर पेंगुइन के प्यार में पड़ जाती है और वे साथी बन जाते हैं। वे एक अंडा देते हैं जिसकी मेम्फिस देखभाल करती है जबकि नॉर्मा जीन अन्य मादाओं के साथ मछली पकड़ने जाती है जबकि नर कड़ाके की सर्दी से संघर्ष कर रहे हैं। मेम्फिस थोड़ा समय के लिए अंडे गिरा देता है। प्रणामी चूजा बुदाने गाने में असमर्थ है लेकिन टैप नृत्य कर सकता है। फिर भी वह एक मादा पेंगुइन ग्लोरिया से आस्त है जिसे उसकी उम्र की सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है। एक दिन मंबल का सामना शत्रुतापूर्ण सकुआ के एक समूह से होता है एक नेता के साथ जिससे पीले रंग की पट्टी से टैग किया गया है जिसके बारे में उनका कहना है कि यह एक विदेशी अपहरण से है। कुड़कुड़ाना भूख पंछियों के एक दरार में गिरने से बाल बाल बच जाता है। अब एक युवा वयस्क मंबल अक्सर बड़ों और उनके नेता नूह द्वारा उपहास की जाती है। तेंदुए के सील के हमले से बचने के बाद मंबल रेमन नेस्टर लैम्बार्डो रेनाल्डो और राउल नाम के 5 एडेल पेंगुइन से दोस्ती करता है जिन्हें सामूहिक रूप से एमगोस के रूप में जाना जाता है जो मंबल के डांस मूव्स को अपनाते हैं और इसे अपने समूह में शामिल करते हैं। एक हिमस्खलन में एक छिपे हुए मानव उत्खननकर्ताओं को देखने के बाद वे रॉक हापर पेंगुइन लवलेस से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने का भी विकल्प चुनते हैं। लवलेस के गले में 6 पैक के प्लास्टिक के छल्ले हैं यह कहते हुए कि उन्हें रहस्यवादी प्राणियों द्वारा दिया गया है। स्मार्ट पेंगुइन के लिए यह संभोग का मौसम है और ग्लोरिया ध्यान का केंद्र है। अमीगोस रामनो को मैम्बल के पीछे मई वे का एक स्पेनिश संस्करण गाकर बाद के लिप सिंकिंग के साथ मम्बल को अपने स्नेह जीतने में मदद करने का असफलता प्रयास करते हैं। अपने गाने के साथ ताल नृत्य शुरू करने के बाद मुबल हताश होकर उसके प्यार में पड़ जाती है और युवा पेंगुइन बूगी वंडरलैंड में गायन और नृत्य करने के लिए शामिल हो जाती है। बुजुर्ग मुंबेल के आचरण से चकित है जिसे वे मछली पकड़ने के काम मौसम के कारण के रूप में देखते हैं। मेम्फिस ने अपनी खातिर नाचना बंद करने के लिए मंबल से भीख मांगी लेकिन जब मुंबेल ने मना कर दिया तो उसे निर्वासित कर दिया गया।
तो फ्रेंड्स इस मूवी के आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको हैप्पी फिट इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स हैप्पी फिट अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। बस आपको पे करना होगा 119 रुपीज़ इस मूवी को देखने के लिए अमेज़न प्राइम वीडियो पर। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पी फिट मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स हैप्पी फिट ये 2006 की फैमिली कॉमेडी फिल्म है जो कि 1 hour and 48 minutes की है। इस मूवी को IMDb ने 6.410 में से रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स हैप्पी फिट ये 2006 की कंप्यूटर एनिमेटेड जक बॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉर्ज मिलर, लिखे हैं जॉर्ज मिलर, जॉन कोली, जूडी मॉरिस, वैरन कॉलमैन, प्रोड्यूस किए बिली मिलर, जॉर्ज मिलर, डग मिचेल। इस मूवी के स्टारिंग है एलिजा वुड, रॉबिन विलियम्स, ब्रिटनी मर्फी, हग जैकमैन, निकोली किडमैन, हग वेविंग, एंथनी ला पैगली, मैगडा सुजेनबस्की, स्टीव इरविन। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए डेविड पीर्स, एडिट किए कैरिस्टन गैजल, मार्गरेट सिक्सेल, म्यूजिक दिए जॉन पॉवेल, प्रोडक्शन कंपनी विलेज रोड शो पिक्चर्स, एनिमल लॉजिक, कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस। इस मूवी को किंगडम फीचर प्रोडक्शन, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, रोड शो फिल्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और ये मूवी 17 नवंबर 2006 को रिलीज हुई यूनाइटेड स्टेट्स में और 26 दिसंबर 2006 को ऑस्ट्रेलिया में, और इसका रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $100 million रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $384.3 million रहा जो कि काबिले तारीफ है बजट के अकॉर्डिंग। तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी में हमें एलिजा वुड एज मोबली और इजी डेली एज बेबी मोबली, रॉबिन विलियम्स एज रैमोन, ब्रिटी मर्फी एज ग्लोरिया और एलिसा शाफेर एज बेबी ग्लोरिया, हग जैकमैन एज मेम्सी, निकोली किडमैन एज नॉर्मा जेन, हग ह्यूगो वेविंग एज नोहा द एल्डर, फैट जोई एज सीम्योर और कैसर फ्लोरी एज बेबी सेमोर, एंथोनी ला पैगलिया एज स्कूअस बॉस, मगदा सुजनबस्की एज मिस वायोलो, मरियम मार्गोलिसी एज मिसेस आस्ट्राखान, स्टीव इरविन एज ट्रेव, कैडोस अल्जराकी एज नेस्ट्रो, लोम्बार्डो बोयर एज रॉल, जेफरी गारिका एज रिनाल्डो, जॉनी सेंचेज एज लोम्बार्डो, रोजर रोस एज लीपॉर्डसेल। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कहानी शुरू होती है प्रत्येक सम्राट पेंगुइन एक अद्वितीय हॉट सॉन्ग गाकर एक साथी को आकर्षित करता है। यदि नगर पेंगुइन का दिल का गीत मांग मादा के गीत से मिल खाता है तो दो पेंगुइन संभोग करते हैं। नॉर्मा जीन एक मादा पेंगुइन मेम्फिस एक नर पेंगुइन के प्यार में पड़ जाती है और वे साथी बन जाते हैं। वे एक अंडा देते हैं जिसकी मेम्फिस देखभाल करती है जबकि नॉर्मा जीन अन्य मादाओं के साथ मछली पकड़ने जाती है जबकि नर कड़ाके की सर्दी से संघर्ष कर रहे हैं। मेम्फिस थोड़ा समय के लिए अंडे गिरा देता है। प्रणामी चूजा बुदाने गाने में असमर्थ है लेकिन टैप नृत्य कर सकता है। फिर भी वह एक मादा पेंगुइन ग्लोरिया से आस्त है जिसे उसकी उम्र की सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है। एक दिन मंबल का सामना शत्रुतापूर्ण सकुआ के एक समूह से होता है एक नेता के साथ जिससे पीले रंग की पट्टी से टैग किया गया है जिसके बारे में उनका कहना है कि यह एक विदेशी अपहरण से है। कुड़कुड़ाना भूख पंछियों के एक दरार में गिरने से बाल बाल बच जाता है। अब एक युवा वयस्क मंबल अक्सर बड़ों और उनके नेता नूह द्वारा उपहास की जाती है। तेंदुए के सील के हमले से बचने के बाद मंबल रेमन नेस्टर लैम्बार्डो रेनाल्डो और राउल नाम के 5 एडेल पेंगुइन से दोस्ती करता है जिन्हें सामूहिक रूप से एमगोस के रूप में जाना जाता है जो मंबल के डांस मूव्स को अपनाते हैं और इसे अपने समूह में शामिल करते हैं। एक हम
हिमस्खलन में एक छिपे हुए मानव उत्खननकर्ताओं को देखने के बाद वे रॉक हॉपर पेंगुइन लवलेस से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने का भी विकल्प चुनते हैं। लवलेस के गले में सिक्स पैक के प्लास्टिक के छल्ले हैं, यह कहते हुए कि उन्हें रहस्यवादी प्राणियों द्वारा दिया गया है। स्मार्ट पेंगुइन के लिए यह संभोग का मौसम है और ग्लोरिया ध्यान का केंद्र है। अमीगोस रामनों को मैम्बल के पीछे मई वे का एक स्पेनिश संस्करण गाकर बाद के लिप सिंकिंग के साथ ममल को अपने स्नेह जीतने में मदद करने का असफलता प्रयास करते हैं। अपने गाने के साथ ताल नृत्य शुरू करने के बाद मुबल हताश होकर उसके प्यार में पड़ जाती है और युवा पेंगुइन बूगी वंडरलैंड में गायन और नृत्यन करने के लिए शामिल हो जाती है। बुजुर्ग मुंबेल के आचरण से चकित है जिसे वे मछली पकड़ने के काम मौसम के कारण के रूप में देखते हैं। मेम्फिस ने अपनी खातिर नाचना बंद करने के लिए मंबल से भीख मांगी, लेकिन जब मुंबेल ने मना कर दिया तो उसे निर्वासित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको हैप्पी फीट इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। बस आपको पे करना होगा 119 रुपीज़ इस मूवी को देखने के लिए अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पी फीट मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट ये 2006 की फैमिली कॉमेडी फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 48 मिनट की है। इस मूवी को IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट ये 2006 की कंप्यूटर एनिमेटेड जक बॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉर्ज मिलर, लिखे हैं जॉर्ज मिलर, जॉन कोली, जूडी मॉरिस, वैरन कॉलमैन, प्रोड्यूस किए बिली मिलर, जॉर्ज मिलर, डग मिचेल। इस मूवी के स्टारिंग है एलिजा वुड, रॉबिन विलियम्स, ब्रिटनी मर्फी, हग जैकमैन, निकोली किडमैन, हग वेविंग, एंथनी लापैगली, मैगडा सुजैनबस की, स्टीव इरविन। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए डेविड पीर्स, एडिट किए कैरिस्टन गैजल, मार्गरेट सिक्सेल, म्यूजिक दिए जॉन पॉवेल, प्रोडक्शन कंपनी विलेज रोड शो पिक्चर्स, एनिमल लॉजिक, कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस। इस मूवी को किंगडम फीचर प्रोडक्शन, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, रोड शो फिल्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और ये मूवी 17 नवंबर 2006 को रिलीज हुई यूनाइटेड स्टेट्स में और 26 दिसंबर 2006 को ऑस्ट्रेलिया में, और इसका रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $100 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $384.3 मिलियन रहा जो कि काबिले तारीफ है बजट के अकॉर्डिंग। तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हमें एलिजा वुड एज मोबली और एजी डेली एज बेबी मोबली, रॉबिन विलियम्स एज रेमोन, ब्रिटी मोर्फी एज ग्लोरिया और एलिसा शाफेर एज बेबी ग्लोरिया, हग जैकमैन एज मेम्सी, निकोली किडमैन एज नॉर्मा जेन, हग ह्यूगो वेविंग एज नोहा द एल्डर, फैट जोई एज सीम्योर और कैसर फ्लोर एज बेबी सेमोर, एंथनी ला पैगलिया एज स्कूअस बॉस, मगदा सुजन बस्की एज मिस वायोलो, मरियम मार्गोलिसी एज मिसेस आस्ट्राखान, स्टीव इरविन एज ट्रेव, कैडोस अल्जराकी एज नेस्ट्रो, लोम्बार्डो बोयर एज रॉल, जेफरी गारिका एज रिनाल्डो, जॉनी सेंचेज एज लोम्बार्डो, रोजर रोस एज लीपॉर्ड सेल। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कहानी शुरू होती है प्रत्येक सम्राट पेंगुइन एक अद्वितीय हॉट सॉन्ग गाकर एक साथी को आकर्षित करता है। यदि नगर पेंगुइन का दिल का गीत मांग मादा के गीत से मिल खाता है तो दो पेंगुइन संभोग करते हैं। नॉर्मा जीन एक मादा पेंगुइन मेम्फिस एक नर पेंगुइन के प्यार में पड़ जाती है और वे साथ
थी बन जाते हैं। वे एक अंडा देते हैं जिसकी मेम्फसी देखभाल करती है, जबकि नॉर्मा जीन अन्य मादाओं के साथ मछली पकड़ने जाती है, जबकि नर कड़ाके की सर्दी से संघर्ष कर रहे हैं। मेफिस थोड़ा समय के लिए अंडे गिरा देता है। प्रणामी चूजा बुदाने गाने में असमर्थ है, लेकिन टैप नृत्य कर सकता है। फिर भी वह एक मादा पेंगुइन ग्लोरिया से आस्त है, जिसे उसकी उम्र की सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है। एक दिन मंबल का सामना शत्रुतापूर्ण सकुआ के एक समूह से होता है, एक नेता के साथ जिससे पीले रंग की पट्टी से टैग किया गया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह एक विदेशी अपहरण से है। कुड़कुड़ाना भूख पंछियों के एक दरार में गिरने से बाल बाल बच जाता है। अब एक युवा वयस्क मंबल अक्सर बड़ों और उनके नेता नूह द्वारा उपहास की जाती है। तेंदुए के सील के हमले से बचने के बाद मंबल रेमन नेस्टर लैम्बार्डो रेनाल्डो और राउल नाम के 5 एल्डेल पेंगुइन से दोस्ती करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से एमगोस के रूप में जाना जाता है, जो मंबल के डांस मूव्स को अपनाते हैं और इसे अपने समूह में शामिल करते हैं। एक हिमस्खलन में एक छिपे हुए मानव उत्खननकर्ताओं को देखने के बाद वे रॉक हॉपर पेंगुइन लवलेस से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने का भी विकल्प चुनते हैं। लवलेस के गले में 6 पैक के प्लास्टिक के छल्ले हैं, यह कहते हुए कि उन्हें रहस्यवादी प्राणियों द्वारा दिया गया है। स्मार्ट पेंगुइन के लिए यह समूह का मौसम है और ग्लोरिया ध्यान का केंद्र है। अमीगोस रामनो को मैम्बल के पीछे मई वे का एक स्पेनिश संस्करण गाकर बात के लिप्त सिंकिंग के साथ मम्बल को अपने स्नेह जीतने में मदद करने का असफलता प्रयास करते हैं। अपने गाने के साथ ताल नृत्य शुरू करने के बाद मूबल हताश होकर उसके प्यार में पड़ जाती है और युवा पेंगुइन बूगी वंडरलैंड में गायन और नृत्यन करने के लिए शामिल हो जाती है। बुजुर्ग मुंबेल के आचरण से चकित है, जिसे वे मछली पकड़ने के काम मौसम के कारण के रूप में देखते हैं। मेम्फिस ने अपनी खातिर नाचना बंद करने के लिए मंबल से भीख मांगी, लेकिन जब मुंबेल ने मना कर दिया तो उसे निर्वासित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको हैप्पी फीट इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। बस आपको पे करना होगा 119 रुपीज़ इस मूवी को देखने के लिए अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पी फीट मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट ये 2006 की फैमिली कॉमेडी फिल्म है, जो कि 1 आवर एंड 48 मिनट की है। इस मूवी को IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट ये 2006 की कंप्यूटर एनिमेटेड जक बॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉर्ज मिलर, लिखे हैं जॉर्ज मिलर, जॉन कोली, जूडी मॉरिस, वैरन कोलमैन, प्रोड्यूस किए बिली मिलर, जॉर्ज मिलर, डग मिचेल। इसमें उनके स्टारिंग है एलिजा वुड, रॉबिन विलियम्स, ब्रिटनी मर्फी, हग जैकमैन, निकोली किडमैन, हग वेविंग, एंथनी ला पैगली, मैगडा सुजैनबस्की, स्टीव इरविन। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए डेविड पीर्स, एडिट किए कैरिस्टन गैजल, मार्गरेट सिक्सेल, म्यूजिक दिए जॉन पॉवेल, प्रोडक्शन कंपनी विलेज रोड शो पिक्चर्स, एनिमल लॉजिक, कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस। इस मूवी को किंगडम फीचर प्रोडक्शन, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, रोड शो फिल्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और ये मूवी 17 नवंबर 2006 को रिलीज हुई यूनाइटेड स्टेट्स में और 26 दिसंबर 2006 को ऑस्ट्रेलिया में, और इसका रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $100 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $384.3 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है बजट के अकॉर्डिंग। तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हमें
अल्जिया वुड एज मोबली और एजी डेली एज बेबी मोबली, रॉबिन विलियम्स एज रैमॉन, ब्रिटी मोर्फी एज ग्लोरिया और एलिसा शाफेर एज बेबी ग्लोरिया, हग जैकमैन एज मेम्पसी, निकोली किडमैन एज नॉर्मा जेन, हग ह्यूगो वेविंग एज नोहा द एल्डर, फैट जोई एज सीम्योर और कैसर फ्लोरिया एज बेबी सेमोर, एंथोनी ला पैगलिया एज स्कूअस बॉस, मगदा सुजन बस्की एज मिस वायोलो, मरियम मार्गोलिसी एज मिसेस आस्ट्राखान, स्टीव इरविन एज ट्रेव, कैडोस अल्जराकी एज नेस्ट्रो, लोम्बार्डो बोयर एज रॉल, जेफरी गारिका एज रिनाल्डो, जॉनी सेंचेज एज लोम्बार्डो, रोजर रोस एज लीपोर्सेल। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कहानी शुरू होती है, प्रत्येक सम्राट पेंगुइन एक अद्वितीय हॉट सॉन्ग गाकर एक साथी को आकर्षित करता है। यदि नगर पेंगुइन का दिल का गीत मांग मादा के गीत से मिल खाता है तो दो पेंगुइन संभोग करते हैं। नॉर्मा जीन एक मादा पेंगुइन मेम्फिस एक नर पेंगुइन के प्यार में पड़ जाती है और वे साथी बन जाते हैं। वे एक अंडा देते हैं जिसकी मेम्फिस देखभाल करती है, जबकि नॉर्मा जीन अन्य मादाओं के साथ मछली पकड़ने जाती है, जबकि नर कड़ाके की सर्दी से संघर्ष कर रहे हैं। मेम्फिस थोड़ा समय के लिए अंडे गिरा देता है। प्रणामी चूजा बुदाने गाने में असमर्थ है लेकिन टैप नृत्य कर सकता है। फिर भी वह एक मादा पेंगुइन ग्लोरिया से आस्त है जिसे उसकी उम्र की सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है। एक दिन मंबल का सामना शत्रुतापूर्ण सकुआ के एक समूह से होता है, एक नेता के साथ जिससे पीले रंग की पट्टी से टैग किया गया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह एक विदेशी अपहरण से है। कुड़कुड़ाना भूख पंछियों के एक दरार में गिरने से बाल बाल बच जाता है। अब एक युवा वयस्क मंबल अक्सर बड़ों और उनके नेता नूह द्वारा उपहास की जाती है। तेंदुए के सील के हमले से बचने के बाद मंबल रेमन नेस्टर लैम्बार्डो रेनाल्डो और राउल नाम के 5 एडेली पेंगुइन से दोस्ती करता है जिन्हें सामूहिक रूप से एमगोस के रूप में जाना जाता है, जो मंबल के डांस मूव्स को अपनाते हैं और इसे अपने समूह में शामिल करते हैं। एक हिमस्खलन में एक छिपे हुए मानव उत्खननकर्ताओं को देखने के बाद वे रॉक हॉपर पेंगुइन लॉलेस से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने का भी विकल्प चुनते हैं। लॉलेस के गले में 6 पैक के प्लास्टिक के छल्ले हैं, यह कहते हुए कि उन्हें रहस्यवादी प्राणियों द्वारा दिया गया है। स्मार्ट पेंगुइन के लिए यह संभोग का मौसम है और ग्लोरिया ध्यान का केंद्र है। अमीगोस रामनो को मैम्बल के पीछे मई वे का एक स्पेनिश संस्करण गाकर बात के लिप सिंकिंग के साथ मम्बल को अपने स्नेह जीतने में मदद करने का असफलता प्रयास करते हैं। अपने गाने के साथ ताल नृत्य शुरू करने के बाद मूबल हताश होकर उसके प्यार में पड़ जाती है और युवा पेंगुइन बूगी वंडरलैंड में गायन और नृत्यन करने के लिए शामिल हो जाती है। बुजुर्ग मुंबेल के आचरण से चकित है जिसे वे मछली पकड़ने के काम मौसम के कारण के रूप में देखते हैं। मेम्फिस ने अपनी खातिर नाचना बंद करने के लिए मंबल से भीख मांगी लेकिन जब मुंबेल ने मना कर दिया तो उसे निर्वासित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स इस मूवी के आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको हैप्पी फीट इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स हैप्पी फीट अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, बस आपको पे करना होगा 119 रुपीज़ इस मूवी को देखने के लिए अमेज़न प्राइम वीडियो पर। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पी फीट मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स हैप्पी फीट ये 2006 की फैमिली कॉमेडी फिल्म है जो कि 1 hour and 48 minutes की है। इस मूवी को IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है।
तो फ्रेंड्स हैप्पी फिट ये 2006 की कंप्यूटर एनिमेटेड जक बॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉर्ज मिलर, लिखे हैं जॉर्ज मिलर, जॉन कोली, जूडी मॉरिस, वैरन कोलमैन, प्रोड्यूस किए बिली मिलर, जॉर्ज मिलर, डग मिचेल। इसमें उनके स्टारिंग है एलिजा वुड, रॉबिन विलियम्स, ब्रिटनी मर्फी, हग जैकमैन, निकोली किडमैन, हग वेविंग, एंथनी ला पैगली, मैगडा सुजैनबस्की, स्टीव इरविन। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए डेविड पीर्स, एडिट किए कैरिस्टन गैजल, मार्गरेट सिक्सेल, म्यूजिक दिए जॉन पॉवेल, प्रोडक्शन कंपनी विलेज रोड शो पिक्चर्स, एनिमल लॉजिक, कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस। इस मूवी को किंगडम फीचर प्रोडक्शन। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, रोड शो फिल्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और ये मूवी 17 नवंबर 2006 को रिलीज हुई यूनाइटेड स्टेट्स में और 26 दिसंबर 2006 को ऑस्ट्रेलिया में, और इसका रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $100 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $384.3 मिलियन रहा, जो कि काबिल तारीफ है बजट के अकॉर्डिंग। तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी में हमें एलिजा वुड एज मोबली और इजी डेली एज बेबी मोबली, रॉबिन विलियम्स एज रैमोन, ब्रिटी मर्फी एज ग्लोरिया और एलिसा शाफेर एज बेबी ग्लोरिया, हग जैकमैन एज मेम्सी, निकोली किडमैन एज नॉर्मा जेन, हग ह्यूगो वेविंग एज नोहा द एल्डर, फैट जोई एज सीमियोर और कैसर फ्लोरिया एज बेबी सेमोर, एंथोनी ला पैगलिया एज स्कूअस बॉस, मगदा सुजैनबस्की एज मिस वायोलो, मरियम मार्गोलिसी एज मिसेस अस्ट्राखान, स्टीव इरविन एज ट्रेव, कैडोस अल्जराकी एज नेस्ट्रो, लोम्बार्डो बोयर एज रॉल, जेफरी गारिका एज रिनाल्डो, जॉनी सेंचेज एज लोम्बार्डो, रोजर रोस एज लीपोर्टसेल। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कहानी शुरू होती है प्रत्येक सम्राट पेंगुइन एक अद्वितीय हॉट सॉन्ग गाकर एक साथी को आकर्षित करता है। यदि नगर पेंगुइन का दिल का गीत मांग मादा के गीत से मिल खाता है तो दो पेंगुइन संभोग करते हैं। नॉर्मा जीन एक मादा पेंगुइन मेम्फिस एक नर पेंगुइन के प्यार में पड़ जाती है और वे साथी बन जाते हैं। वे एक अंडा देते हैं जिसकी मेम्फिस देखभाल करती है, जबकि नॉर्मा जीन अन्य मादाओं के साथ मछली पकड़ने जाती है, जबकि नर कड़ाके की सर्दी से संघर्ष कर रहे हैं। मेम्फिस थोड़ा समय के लिए अंडे गिरा देता है। प्रणामी चूजा बुदाने गाने में असमर्थ है लेकिन टैप नृत्य कर सकता है। फिर भी वह एक मादा पेंगुइन ग्लोरिया से आस्त है, जिसे उसकी उम्र की सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है। एक दिन मंबल का सामना शत्रुतापूर्ण सकुआ के एक समूह से होता है, एक नेता के साथ जिससे पीले रंग की पट्टी से टैग किया गया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह एक विदेशी अपहरण से है। कुड़कुड़ाना भूख पंछियों के एक दरार में गिरने से बाल बाल बच जाता है। अब एक युवा वयस्क मंबल अक्सर बड़ों और उनके नेता नूह द्वारा उपहास की जाती है। तेंदुए के सील के हमले से बचने के बाद मंबल रेमन नेस्टर लैम्बार्डो रेनाल्डो और राउल नाम के 5 एडेल पेंगुइन से दोस्ती करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से एमगोस के रूप में जाना जाता है, जो मंबल के डांस मूव्स को अपनाते हैं और इसे अपने समूह में शामिल करते हैं। एक हिमस्खलन में एक छिपे हुए मानव उत्खननकर्ताओं को देखने के बाद वे रॉक हापर पेंगुइन लवलेस से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने का भी विकल्प चुनते हैं। लवलेस के गले में 6 पैक के प्लास्टिक के छल्ले हैं, यह कहते हुए कि उन्हें रहस्यवादी प्राणियों द्वारा दिया गया है। स्मार्ट पेंगुइन के लिए यह संभोग का मौसम है और ग्लोरिया ध्यान का केंद्र है। अमीगोस रामनो को मैम्बल के पीछे मई वे का एक स्पेनिश संस्करण गाकर बाद के लिप सिंकिंग के साथ मम्बल को अपने स्नेह जीतने में मदद करने का असफलता प्रयास करते हैं। अपने गाने के साथ ताल
नृत्य शुरू करने के बाद मूबल हताश होकर उसके प्यार में पड़ जाती है और युवा पेंगुइन बूगी वंडरलैंड में गायन और नृत्य करने के लिए शामिल हो जाती है। बुजुर्ग मुंबेल के आचरण से चकित है, जिसे वे मछली पकड़ने के का मौसम के कारण के रूप में देखते हैं। मेम्फिस ने अपनी खातिर नाचना बंद करने के लिए मुंबेल से भीख मांगी, लेकिन जब मुंबेल ने मना कर दिया तो उसे निर्वासित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको हैप्पी फीट इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। बस आपको पे करना होगा 119 रुपीज़ इस मूवी को देखने के लिए अमेज़न प्राइम वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पी फीट मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट ये 2006 की फैमिली कॉमेडी फिल्म है जो कि 1 hour and 48 minutes की है। इस मूवी को IMDb ने 6.410 में से रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट ये 2006 की कंप्यूटर एनिमेटेड जक बॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉर्ज मिलर, लिखे हैं जॉर्ज मिलर, जॉन कोली, जूडी मॉरिस, वैरन कॉलमैन, प्रोड्यूस किए बिली मिलर, जॉर्ज मिलर, डग मिचेल। इस मूवी के स्टारिंग है एलिजा वुड, रॉबिन विलियम्स, ब्रिटनी मर्फी, हग जैकमैन, निकोली किडमैन, हग वेविंग, एंथनी ला पैगली, मैगडा सुजेनबस्की, स्टीव इरविन। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए डेविड पीर्स, एडिट किए कैरिस्टन गैजल, मार्गरेट सिक्सेल, म्यूजिक दिए जॉन पॉवेल, प्रोडक्शन कंपनी विलेज रोड शो पिक्चर्स, एनिमल लॉजिक, कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस। इस मूवी को किंगडम फीचर प्रोडक्शन। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, रोड शो फिल्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और ये मूवी 17 नवंबर 2006 को रिलीज हुई यूनाइटेड स्टेट्स में और 26 दिसंबर 2006 को ऑस्ट्रेलिया में, और इसका रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $100 million रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $384.3 million रहा, जो कि काबिले तारीफ है बजट के अकॉर्डिंग। तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हमें एलिजा वुड एज मोबली और इजी डेली एज बेबी मोबली, रॉबिन विलियम्स एज रैमोन, ब्रिटी मर्फी एज ग्लोरिया और एलिसा शाफेर एज बेबी ग्लोरिया, हग जैकमैन एज मेम्सी, निकोली किडमैन एज नॉर्मा जेन, हग ह्यूगो वेविंग एज नोहा द एल्डर, फैट जोई एज सीम्योर और कैसर फ्लोरिया एज बेबी सेमोर, एंथोनी ला पैगलिया एज स्कूअस बॉस, मगदा सुजनबस्की एज मिस वायोलो, मरियम मार्गोलिसी एज मिसेस आस्ट्राखान, स्टीव इरविन एज ट्रेव, कैडोस अल्जराकी एज नेस्ट्रो, लोम्बार्डो बोयर एज रॉल, जेफरी गारिका एज रिनाल्डो, जॉनी सेंचेज एज लोम्बार्डो, रोजर रोस एज लीपॉर्डसेल। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कहानी शुरू होती है प्रत्येक सम्राट पेंगुइन एक अद्वितीय हॉट सॉन्ग गाकर एक साथी को आकर्षित करता है। यदि नगर पेंगुइन का दिल का गीत मांग मादा के गीत से मिल खाता है तो दो पेंगुइन संभोग करते हैं। नॉर्मा जीन एक मादा पेंगुइन मेम्फिस एक नर पेंगुइन के प्यार में पड़ जाती है और वे साथी बन जाते हैं। वे एक अंडा देते हैं जिसकी मेम्फिस देखभाल करती है, जबकि नॉर्मा जीन अन्य मादाओं के साथ मछली पकड़ने जाती है, जबकि नर कड़ाके की सर्दी से संघर्ष कर रहे हैं। मेम्फिस थोड़ा समय के लिए अंडे गिरा देता है। प्रणामी चूजा बुदाने गाने में असमर्थ है, लेकिन टैप नृत्य कर सकता है। फिर भी वह एक मादा पेंगुइन ग्लोरिया से आस्त है, जिसे उसकी उम्र की सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है। एक दिन मंबल का सामना शत्रुतापूर्ण सकुआ के एक समूह से होता है, एक नेता के साथ जिससे पीले रंग की पट्टी से टैग किया गया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह एक विदेशी अपहरण से है। कुड़कुड़ाना भूख पंछियों के एक दरार में गिरने से बाल बाल बच जाता है।
अब एक युवा वयस्क मम्बल अक्सर बड़ों और उनके नेता नूह द्वारा उपहास की जाती है। तेंदुए के सील के हमले से बचने के बाद मम्बल रेमन नेस्टर लैम्बार्डो रेनाल्डो और राउल नाम के 5 एडेली पेंगुइन से दोस्ती करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से एमगोस के रूप में जाना जाता है, जो मम्बल के डांस मूव्स को अपनाते हैं और इसे अपने समूह में शामिल करते हैं। एक हिमस्खलन में एक छिपे हुए मानव उत्खननकर्ताओं को देखने के बाद वे रॉक हॉपर पेंगुइन लॉलेस से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने का भी विकल्प चुनते हैं। लॉलेस के गले में 6 पैक के प्लास्टिक के छल्ले हैं, यह कहते हुए कि उन्हें रहस्यवादी प्राणियों द्वारा दिया गया है। स्मार्ट पेंगुइन के लिए यह संभोग का मौसम है और ग्लोरिया ध्यान का केंद्र है। अमीगोस रामनो को मैम्बल के पीछे मई वे का एक स्पेनिश संस्करण गाकर बात के लिप्त सिंकिंग के साथ मम्बल को अपने स्नेह जीतने में मदद करने का असफलता प्रयास करते हैं। अपने गाने के साथ ताल नृत्य शुरू करने के बाद मूबल हताश होकर उसके प्यार में पड़ जाती है और युवा पेंगुइन बूगी वंडरलैंड में गायन और नृत्यन करने के लिए शामिल हो जाती है। बुजुर्ग मुंबेल के आचरण से चकित है, जिसे वे मछली पकड़ने के का मौसम के कारण के रूप में देखते हैं। मेम्फिस ने अपनी खातिर नाचना बंद करने के लिए मम्बल से भीख मांगी, लेकिन जब मुंबेल ने मना कर दिया तो उसे निर्वासित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको हैप्पी फीट इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। बस आपको पे करना होगा 119 रुपीज़ इस मूवी को देखने के लिए अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पी फीट मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट ये 2006 की फैमिली कॉमेडी फिल्म है, जो कि 1 आवर एंड 48 मिनट्स की है। इस मूवी को IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, हैप्पी फीट ये 2006 की कंप्यूटर एनिमेटेड जक बॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉर्ज मिलर, लिखे हैं जॉर्ज मिलर, जॉन कोली, जूडी मॉरिस, वैरन कॉलमैन, प्रोड्यूस किए बिली मिलर, जॉर्ज मिलर, डग मिचेल। इस मूवी के स्टारिंग है एलिजा वुड, रॉबिन विलियम्स, ब्रिटनी मर्फी, हग जैकमैन, निकोली किडमैन, हग वेविंग, एंथनी ला पैगली, मैगडा सुजैनबस की, स्टीव इरविन। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए डेविड पीर्स, एडिट किए चैरिस्टन कैरिस्टन गैजल, मार्गरेट सिक्सेल, म्यूजिक दिए जॉन पॉवेल, प्रोडक्शन कंपनी विलेज रोड शो पिक्चर्स, एनिमल लॉजिक, कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस। इस मूवी को किंगडम फीचर प्रोडक्शन, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, रोड शो फिल्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और ये मूवी 17 नवंबर 2006 को रिलीज हुई यूनाइटेड स्टेट्स में और 26 दिसंबर 2006 को ऑस्ट्रेलिया में, और इसका रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $100 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $384.3 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है बजट के अकॉर्डिंग। तो इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हमें एलिजा वुड एज मोबली और एजी डेली एज बेबी मोबली, रॉबिन विलियम्स एज रेमोन, ब्रिटी मोर्फी एज ग्लोरिया और एलिसा शाफेर एज बेबी ग्लोरिया, हग जैकमैन एज मेम्सी, निकोली किडमैन एज नॉर्मा जेन, हग ह्यूगो वेविंग एज नोहा द एल्डर, फैट जोई एज सीम्योर और कैसर फ्लोर एज बेबी सेमोर, एंथोनी ला पैगलिया एज स्कूअस बॉस, मगदा सुजन बस्की एज मिस वायोलो, मरियम मार्गोलिसी एज मिसेस आस्ट्राखान, स्टीव इरविन एज ट्रेव, कैडोस अल्जराकी एज नेस्ट्रो, लोम्बार्डो बोयर एज रॉल, जेफरी गारिका एज रिनाल्डो, जॉनी सेंचेज एज लोम्बार्डो, रोजर रोस एज लीपॉर्ड सेल। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में।
तो फ्रेंड्स इस मूवी की कहानी शुरू होती है, प्रत्येक सम्राट पेंगुइन एक अद्वितीय हॉट सॉन्ग गाकर एक साथी को आकर्षित करता है। यदि नगर पेंगुइन का दिल का गीत मांग मादा के गीत से मिल खाता है तो दो पेंगुइन समूह करते हैं। नॉर्मा जीन एक मादा पेंगुइन मेम्फिस एक नर पेंगुइन के प्यार में पड़ जाती है और वे साथी बन जाते हैं। वे एक अंडा देते हैं जिसकी मेम्फिस देखभाल करती है, जबकि नॉर्मा जीन अन्य मादाओं के साथ मछली पकड़ने जाती है, जबकि नर कड़ाके की सर्दी से संघर्ष कर रहे हैं। मेम्फिस थोड़ा समय के लिए अंडे गिरा देता है। प्रणामी चूजा बुदाने गाने में असमर्थ है लेकिन टैप नृत्य कर सकता है। फिर भी वह एक मादा पेंगुइन ग्लोरिया से आस्त है जिसे उसकी उम्र की सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है। एक दिन मंबल का सामना शत्रुतापूर्ण सकुआ के एक समूह से होता है, एक नेता के साथ जिससे पीले रंग की पट्टी से टैग किया गया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह एक विदेशी अपहरण से है। कुड़कुड़ाना भूख पंछियों के एक दरार में गिरने से बाल बाल बच जाता है। अब एक युवा वयस्क मंबल अक्सर बड़ों और उनके नेता नूह द्वारा उपहास की जाती है। तेंदुए के सील के हमले से बचने के बाद मंबल रेमन नेस्टर लैम्बार्डो रेनाल्डो और राउल नाम के 5 एडेली पेंगुइन से दोस्ती करता है जिन्हें सामूहिक रूप से एमगोस के रूप में जाना जाता है, जो मंबल के डांस मूव्स को अपनाते हैं और इसे अपने समूह में शामिल करते हैं। एक हिमस्खलन में एक छिपे हुए मानव उत्खननकर्ताओं को देखने के बाद वे रॉक हॉपर पेंगुइन लवलेस से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने का भी विकल्प चुनते हैं। लवलेस के गले में 6 पैक के प्लास्टिक के छल्ले हैं, यह कहते हुए कि उन्हें रहस्यवादी प्राणियों द्वारा दिया गया है। स्मार्ट पेंगुइन के लिए यह समूह का मौसम है और ग्लोरिया ध्यान का केंद्र है। अमीगोस रामनो को मैम्बल के पीछे मई वे का एक स्पेनिश संस्करण गाकर बात के लिप्त सिंकिंग के साथ मम्बल को अपने स्नेह जीतने में मदद करने का असफलता प्रयास करते हैं। अपने गाने के साथ ताल नृत्य शुरू करने के बाद मूबल हताश होकर उसके प्यार में पड़ जाती है और युवा पेंगुइन बूगी वंडरलैंड में गायन और नृत्यन करने के लिए शामिल हो जाती है। बुजुर्ग मुंबेल के आचरण से चकित है जिससे वे मछली पकड़ने के काम मौसम के कारण के रूप में देखते हैं। मेम्फिस ने अपनी खातिर नाचना बंद करने के लिए मंबल से भीख मांगी लेकिन जब मुंबेल ने मना कर दिया तो उसे निर्वासित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स इस मूवी के आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको हैप्पी फीट इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स हैप्पी फीट अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। बस आपको पे करना होगा 119 रुपीज़ इस मूवी को देखने के लिए अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें।